कब आ रहे हो? जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पता चली जाएगा। बदला जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूँ। आपका आज और एक नए ब्लॉग में। हाँ गाइस, आज मैं मिलने वाला हूँ सीएम से, अपने ही मुख्यमंत्री से। आई मेट द सीएम योगी माननीय आदित्यनाथ योगी, जिनका नाम अजय सिंह है। अरे हमारे नाम से पड़ गया तो अब क्या करें। लेकिन कोई ना गाइस, आज चलो आप लोगों को भी मिलवाते हैं। अभी तो 9 बज रहा है, 1 बजे के लमसम आएंगे आदित्यनाथ योगी, क्योंकि हाईवे का उद्घाटन करना है। तो गाइस मैं चलूँगा वहाँ पर और आप लोगों को दिखाऊँगा कि आदित्यनाथ योगी आए हैं कि नहीं आए हैं, एंड वहाँ की सारी बातें आप लोगों को बताऊँगा। तो ब्लॉग्स में एंड तक जुड़े रहना। अच्छा तो ये देखो, पहला हाईवे है जिस हाईवे पे यहाँ पोस्टर लगा है, स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। ये राजे सुल्तानपुर के लिए है और यहाँ पर उस पार, यानी आप समझ सकते हो ना, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से लोग योगी जी से मिलके आ रहे हैं। अपने सीएम से इतना प्यार मचा आ गया देख के, और अपने देश से भी प्यार है इसीलिए ना लोग सीएम से मिलने के लिए उतनी दूर तक गए थे। अभी उस पार हम लोगों को जाना है। मैं तो पैदल ही आ गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ से दिख जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाइस भी देख सकते हो सामने, उधर से लोग आ रहे हैं और मुझे फिर जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर पैदल, और आना भी पड़ेगा 3 किलोमीटर पैदल सिर्फ योगी जी से मिलने के लिए। क्योंकि हाँ, हम चलेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। अभी आप लोग यहाँ का पुल उल देख लिए, ये सब सजा हुआ था और देख सकते हो ना कितने सारे लोग आ रहे हैं। अभी उधर से आएंगे, ये देखो पुल बना है, इसका उद्घाटन था इसीलिए यहाँ पर लोग आए थे और योगी जी भी आए थे, तो देखना ज़रूरी बनता है। और वहाँ पर देखो दूसरा पुल है, वो अभी आधा ही बना है, तो उसे भी दिखाऊंगा गाइस। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। देखो गाइस, 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं पहुंच ही गया जहां सीएम योगी थे, एंड अभी यहां थोड़ी दूर और जाना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट चलूंगा तो आपको दिखाऊंगा। मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, यहाँ पर जिन लोगों ने उस समय आंदोलन किया था, श्री संपर्क प्रताप सिंह, श्री जय किशन मौर्या, श्री भिखारी प्रजापति, श्री पी डी सिंह, श्री दिनेश साई, श्री शिवाजी चंद, ये सभी जितने भी उस समय यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता थे, काफी बड़ी संख्या थी, बहुत बड़ी संख्या है, मिलने का नाम नहीं चिन्ह पाया। लेकिन उन सबको और पूरे क्षेत्रवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने एक प्रमुख कार्यकर्ता जिनका भी निधन हुआ है, अपने कौशिक श्री सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक, मैं उनको इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। एक अच्छे कार्यकर्ता थे, अकस्मात उनका निधन हुआ था और बहुत संघर्ष से, छात्र जीवन से ही उन्होंने संघर्ष के नए मानक स्थापित किए थे। मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो गाइस अब देखो योगी सर का, अरे हाँ यार, आदित्यनाथ योगी हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण ख़त्म हो चुका है। उनके दिल में जो था उन्होंने बताया, और गाइस आप लोगों ने कान लगा कर सुन लिया और मैंने भी सुन लिया। तो गाइस अभी चलो दिखाते हैं, इतनी सारी जनसंख्या है और यहाँ देख सकते हो इतनी सारी पुलिस लगी है, और वहाँ से योगी जी आएंगे। वो जो पुल लग दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से आएंगे। अभी तो तुमको आसमान ही दिखाई दे रहा होगा, तो गाइस अभी वेट कर लो, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई। अभी देखो आएंगे तो हेलीकॉप्टर से ही चले जाएंगे, क्योंकि गाइस मैं आया था लेट क्योंकि और भी मुझे कहीं जाना था, तो मैं लेट आया था यहाँ पर। बट हाँ गाइस, आप लोगों की दया से मैं योगी जी से मिल चुका, एंड
बहुत सारा भाषण सुनने को मेरे को मिला। और गाइस आप कमेंट करके बता देना आप गए थे कि नहीं गए थे। देखिए वो जा रहे हैं योगी सर, अभी देखो जूम कर रहा हूँ मैं, 8x पे जूम करने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा। देखो 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 वो देखो जहाँ चार चक्का जा रही है ना, वो वहीं में से उतरेंगे और हेलीकॉप्टरवा में जाके बैठेंगे। देखो उतर गए, देखो देखो भगवादारी हमारे योगी जी CM एंड जा रहे हैं। अभी देख सकते हो ना गाइस, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इतने सारे गार्ड लगे हैं बगल में उनके। आप देख सकते हो ना हमारे देश के मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और दिखाता हूँ, अभी देखो वहाँ पर बैठेंगे, ये है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टरवा में बैठ के और CM जी चले जाएंगे, हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। तो देख सकते हो ना गाइस, ये अंबेडकर नगर में आए थे, बता दे रहा हूँ मैं, कमरिया घाट पे कहाँ से नदी व परमा पुल बना है। पुल देखने के लिए आप गोरखपुर जाने के लिए ना बहुत अच्छा पुल बना, तो आप आके देख लेना। एंड अगर आपको देखना है पुलिया उलिया सारी चीज़ें एंड कुछ पाप किए हैं ना, तो आके गंगा जी में धो ही लेना। देखो हेलीकॉप्टर चालू हो गया। हाँ गाइस, यहाँ से निकलने के लिए, अरे मतलब रवाना होने के लिए, तो यहाँ से जाएगा। तो अभी देख लो ना कैसे जाएगा, कैसे उड़ के आएगा। एंड जो जिसने भी हेलीकॉप्टर नहीं देखा देख सकते हो, क्योंकि लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा होता है एंड वो बहुत बड़ी जगह पे उतरता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ खाली जगह होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ देख सकते हो, सिर्फ भौकाल है। जो लोग देखे नहीं रहते उनके लिए ना इतना गाज देते हैं, कभी देखने का मन ही नहीं करता उनका। लेकिन रियल तो ये है कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपने शरीर को 3 बार ज़मीन पर सटा दोगे तो तू ना हेलीकॉप्टर बन जाओगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देख सकते हो जितना बड़ा मैं दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा होता नहीं। ऐसे उसमें ना सिर्फ 4 से 5 लोग बैठते हैं, 2 ड्राइवर और 2-3 लोग पीछे बैठते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं बैठता कोई, ठीक है। उसमें डिग्गी उग्गी नहीं बनी रहती कि जाओ पीछे भी बैठ लो। और देखो गाइस ये अंकल खड़े हैं, अंकल कहाँ खड़े हैं, अरे यार वैसे ही बोल दिया, मतलब यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं एंड मैंने भीड़ दिखा दी थी। अब हेलीकॉप्टर जाने वाला है, तो देख सकते हो ना एंड देख सकते हो ना हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार है। देखो थोड़ा ऊपर उठ गया है और पंखे ना बहुत तेज़ी से एकदम नाच रहे हैं, सही बता रहा हूँ, कान दर्द करने लगा था सुनते हुए। लेकिन गाइस आप लोग देख सकते हो ना इतनी ऊपर उड़ चुका है एंड धीरे धीरे जा रहा है, फिर इसके बाद और तेज़ जाएगा, फिर और तेज़ चला जाएगा, फिर हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देख सकते हो ना इतना धुधला दिख रहा है हमको। अब देखो आसमान में चला गया, लिया कि कितनी जनसंख्या आई थी और कितने लोग आए थे, इतनी सारी भीड़ थी कि वहाँ खड़ा होने के लिए भी दाव नहीं था। तो वहाँ पर हम भी गए अपने घाव सहने के लिए। तो तू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कहा से ऐसे ही और तगड़ी वीडियो मिली तू हाई रॉक के जो ब्लॉग्स चैनल वहाँ पे, यही ना थे चैनल के सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वहाँ ऑन कर दिया, कहा से तक सब्सक्राइबर रहिए ना तो चाइना बम्बई लखनऊ कहाँ चल जाइए हाई रॉक के जे हवाइयों ना जाना थे, यही ना थे तू लोगन लाइक कर दिया, ये वीडियो के शेयर जरूर कर दिया। जय हिंद जय भारत।